इधर ससुराल वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं आया है मेरे साथ। आज 10-15 दिन से परेशान है। गया में मेरे हस्बैंड को जान ले लिया, गया वाला ने हम प्राइवेट से बहुत इनको दिखाए हूँ और साला कुछ नहीं है। बोल रहे थे उनको NRCT वगैरह जो होता है करवा दो, जो लास्ट में ज्यादा भींग गया तब यही करवाया। रात भर 5 दिन से सोए नहीं है, मेरा एकदम हालत खराब हो गया। क्या करें, किसी तरह से बच जाए, मेरा संसार खत्म हो गया सर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है और आज ये आंकड़ा जो है वो पहली बार 15,000 के पार पहुंच चुका है। एक ओर बिहार में जहां सभी नेता जो हैं वो अपने घरों में हैं और घर से ही मदद कर रहे हैं, तो लेकिन एक नेता ऐसे हैं बिहार में जो कि घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की। उनका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव दिन भर अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, यहाँ तक कि शमशान घाट जाते हैं, और आज देर शाम जब वो अपने आवास पर निकल रहे थे किसी अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने के लिए, तो एक महिला उनके पास आई थी और उस पप्पू यादव से उस महिला ने मदद की गुहार लगाई। वो महिला कह रही हैं कि उनके घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया है, पति की जान बचाना मुश्किल है, आप ही मेरी मदद कीजिए। महिला रोते रोते अपना दर्द बयां कर रही है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव भी उस महिला का दर्द सुन के रोने जैसे लगते हैं। फिलहाल आगे आपको ये वीडियो छोड़े जाते हैं किस तरीके से महिला जो है वो पप्पू यादव के सामने अपने पति को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। घर ससुराल वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं आया है मेरे साथ। आज 10-15 दिन से परेशान है। गया में मेरे हस्बैंड को जान ले लिया, गया वाला ने हम प्राइवेट से बहुत इनको दिखाए हूँ और साला कुछ नहीं है। बोल रहे थे उनको NRCT वगैरह जो होता है करवा दो, जो लास्ट में ज्यादा भींग गया तब यही करवाया। रात भर 5 दिन से सोए नहीं है, मेरा एकदम हालत खराब हो गया। क्या करें, किसी तरह से बच जाए, मेरा संसार खत्म हो गया सर।